उत्तर भारत और उत्तर पूर्व से लेकर देश भर में नवरात्रि का पावन त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, इसलिए इस पर्व को दुर्गोत्सव भी या दुर्गा पूजा भी कहते हैं। दुर्गा पूजा शुरू होने के कई महीने पहले से ही मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। देश भर में कई पूजा पंडाल बनाए जाते हैं और यहाँ माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति के निर्माण के लिए वेश्याओं की आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते समय वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो ऐसे में मूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए वैसे तो कई सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन चार चीज़ों को बहुत ज़रूरी माना गया है, जो कि इस प्रकार है: गंगा की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वेश्यालय की मिट्टी। मूर्ति बनाने में इन सामग्रियों के इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वेश्यालयों की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे हुए देखा। वो रोगी लोगों से गंगा स्नान करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन आते जाते लोगों में किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। इसके बाद वेश्याओं ने उस रोगी को गंगा स्नान करवाया। वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे। शिव जी वेश्याओं से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वेश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा ना बन पाए। शिव जी ने वेश्याओं को यही वरदान दिया और तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। वेश्यालय के आंगन से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाए जाने को लेकर एक अन्य मान्यता है कि सबसे पहले मंदिर के पुजारी वेश्यालय के बाहर जाकर वेश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी मांगकर लाते थे और इसके बाद मंदिर के लिए मूर्ति बनाई जाती थी। धीरे धीरे यह परंपरा बढ़ती गई और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसमें इसी मिट्टी का इस्तेमाल होने लगा। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब कोई व्यक्ति वेश्यालय जाता है तब वो अपने पुण्य कर्म और पवित्रता को उसके द्वार पर ही छोड़ कर भीतर जाता है, इसलिए उनके आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।